यहाँ सोशल मीडिया पर सितारों के चाहने वाले आपस में लड़ते नहीं थकते, वहीं वो स्टार्स रात भर एक छत के नीचे जमा होकर पार्टी करते हैं, दुख सुख गिले सिकवे बांटते हैं और भविष्य के चीजों पर चर्चा होती है। हाल ही में खबर आ रही है कि बीते कुछ दिनों पहले फिल्म इंडस्ट्री के तीनों खान गैलेक्सी अपार्टमेंट में इकट्ठा हुए और रात भर चर्चा चली, साथ ही ट्रिप पर जाने की भी प्लानिंग हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की। सलमान, शाहरुख और आमिर तीनों की गिनती फिल्म इंडस्ट्री के बड़े और दिग्गज सितारों में होती है। तीनों ने ही अपने करियर में एक से एक बढ़कर फिल्में दी हैं, जिन्हें फैंस कई कई बार देख चुके हैं और आज भी देखना पसंद करते हैं। वहीं जब ये फिल्म सितारे एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वो फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होता है, क्योंकि फैंस भी इनको साथ देखना चाहते हैं। अब खबर आ रही है कि तीनों खान जमावड़ा बीते 16 मई को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में लगा। सबसे पहले आमिर खान गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। शाहरुख खान और सलमान खान कुछ देर से पहुंचे हुए थे क्योंकि दोनों टाइगर 3 की शूटिंग में बिजी थे और वहां से फ्री होते ही गैलेक्सी अपार्टमेंट दोनों पहुंच गए। उसके बाद तीनों के बीच लंबी बातचीत चली। तीनों ने करियर में की गई गलतियां, सफलता असफलता के साथ ही उदासी भरे समय पर बात की। साथ ही तीनों के बीच जमकर मजाक मस्ती भी हुई। इस दौरान तीनों ने पार्टी भी की। तीनों की पार्टी सुबह 4 बजे तक चली। खबरों के अनुसार इस मीटिंग के दौरान सलमान और शाहरुख ने आमिर खान को मोटिवेट भी किया, जितना जल्दी से जल्दी मुमकिन हो सके तो वह ब्रेक से फिल्मों में वापसी कर ले। साथ ही आमिर ने उन दोनों को सलाह दी कि हमें काम का ज्यादा बोझ नहीं लेना चाहिए और चुनिंदा फिल्में ही करनी चाहिए। इसके बाद आमिर ने शाहरुख और सलमान से कहा कि काम से समय निकालकर वह तीनों एक साथ अमेरिका या फिर यूरोप ट्रिप पर चले। वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान इन दिनों टाइगर 3 और पठान वर्सेस टाइगर की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। वहीं शाहरुख खान के पास तो प्रोजेक्ट की लाइन लगी हुई है। उनके पास इन दिनों जवान, डंकी और इसके बाद पठान वर्सेस टाइगर भी है। इसके अलावा वह टाइगर 3 में कैमियो का रोल करते भी नजर आने वाले हैं। वहीं आमिर खान पिछले साल लाल सिंह चड्ढा में नजर आए थे, जो कि कुछ खास नहीं चल पाई थी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे फिल्मी संवाद के साथ। मैं थी नम्रता, धन्यवाद।